ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका और सोलो सिकोवा का एक बार फिर से हमें डोमिनेंस पूरे स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला। एक्जैक्टली भाई आज का स्मैकडाउन के ऊपर पूरा क्या कहानी हुआ मैं आपको सब कुछ ए टू जेड बताता हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का स्टार्टिंग कोडी रोड्स करते हैं। कोडी रोड्स सबसे पहले आकर वहाँ के ऑडियंस को सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं, साथ ही साथ वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने केविन ओवंस अपने फ्रेंड को फाइनली वेस्टर्न बर्लिन के अंदर हरा दिया और वो इस बात को भी बताते हैं कि मेरे पास टाइम कम है, सोलो सिकोवा किसी टाइम पर आ रहा होगा मुझे चैलेंज करने के लिए। तभी भाई हमें सोलो सिकोवा भी देखने को बोलते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ सीधे टाइटल के लिए मैच चाहिए। कोडी रोड्स के बाद भाई यहाँ पर कहते हैं मैं मैच तो देना चाहता हूँ पर मैं मैच तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ, मैं जेकब फाटू को मैच देना चाहता हूँ। और इसको सुनकर भाई जेकब फाटू बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स जेकब फाटू को सामने बुलाते हैं पर भाई जेकब फाटू यहाँ पर सोलो सिकोवा के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। जेकब फाटू बोलते हैं आई लव यू सोलो सिकोवा और जेकब फाटू पीछे चले जाते हैं कि फिलहाल कोडी रोड्स मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी मैच नहीं चाहिए। और फिर भाई सोलो सिकोवा कहते हैं बहुत हुआ थोड़ा बकवास अब तो मार खाओगे। सोलो सिकोवा अपने पूरे टीम को बुला लेते हैं कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए। सोलो सिकोवा का पूरा टीम तैयार हो चुका था भाई कोडी रोड्स को पर अटैक करने के लिए पर इधर से कोडी रोड्स का टीम भी आ जाता है। एक्चुअली में डीआईवाई और स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पर कोडी रोड्स का हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी भाई सामने से निक ऑल्डिस भी आता है। निक ऑल्डिस बोलते हैं कि अगर तुम फाइट किए तो मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा, इसलिए ऐसा करते हैं अगले स्मैकडाउन के ऊपर तुम दोनों के बीच में एक स्टील केज मैच को मैं रख देता हूं। उसके बाद ये मैच ऑफिशियल भी हो जाता है। आपको सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको नेक्स्ट वीक स्टील केज मैच आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आगे हमें बैक स्टेज हमें टिफनी और मोटी आंटी देखने को मिलते हैं जहां टिफनी समझाती है मोटी आंटी को मैं आपके ऊपर कैसिन कभी भी मैं नहीं करने वाली हूँ, आप मेरी महारानी हो, मैं आपके सामने एक मतलब आपका सेवक हूँ, मैं आपके ऊपर कैसे नहीं कर सकता। वैसे देन स्क्वाड भाई आगे हमें शो के ऊपर हमें टिफनी का मैच हमें देखने को मिलता है बेली के साथ। बेली का ये मतलब बहुत टाइम बाद ये मैच हुआ था स्मैकडाउन के ऊपर। वैसे ये मैच बड़ा कमाल का था भाई। इस मैच के अंदर मोटी आंटी वादा की थी कि मैं इस मैच के अंदर मदद करने के लाऊंगा टिफनी तुमको, और भाई मोटी आंटी आती हुई मदद करने के लिए पर भाई उसका कोई फायदा नहीं होता। इस मैच के अंदर बेली विन कर जाती है। टिफनी भाई मैच को हार चुके हैं। धीरे धीरे इनका ब्रेकअप का एंगल हमें देखने को अब धीरे धीरे मिलने वाला है। वैसे भाई बेली काफी टाइम बाद वापस आई तो मतलब इनको देखकर काफी अच्छा लग रहा था। वैसे देन इसके बाद बैक स्टेज हमें शो के ऊपर हमें ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर देखने को बोलते हैं जो कि केविन ओवंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि देख तुम्हारा दोस्त ठग लिया तो अपने दोस्त को मदद करने के लिए क्यों नहीं गया स्मैकडाउन के ऊपर। एक चैंपियंस बेल्ट है अपने पास यहाँ पर लेकर आए हुए रहते हैं यहाँ पर ग्रेसन वॉलर, उसको केविन ओवंस बाद में छीन भी लेते हैं। केविन ओवंस बोलते हैं चलो ठीक है हम लोग ट्रिपल थ्रेड मैच आज के स्मैकडाउन के ऊपर करते हैं और ग्रेसन वॉलर इसके ऊपर रेडी हो जाते हैं। ग्रेसन वॉलर सोचते हैं कि ठीक है हम ऑस्टिन थ्योरी दोनों साथ में ही तो काम करेंगे तो ये जो ट्रिपल थ्रेड मैच रहता है भाई ऑफिशियल हो जाता है। वैसे देन इसके बाद आगे हमें शो के ऊपर हमें सेंटो स्क्वाड देखने को मिलते हैं। वो भाई पूरा जज बने हुए हैं, उनके ऑनर में सारे लोग खड़े हो रहे हैं। अब इनका झाठू सा तो भाई टीम है उसके अंदर दो चूतिया मतलब बैठे हुए हैं तो बस ऐसे ही बातचीत होता है। ये दोनों कहते हैं कि मतलब हम लोग विक्ट्री ले लिए हैं तो इन्होंने कहा कि विक्ट्री लेने से कुछ नहीं होगा, क्या तुम टैग टीम टाइटल को विन किए हो जो हम लोग स्मैकडाउन के ऊपर अब राज करने वाले, हम लोग को बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा स्मैकडाउन के ऊपर। वैसे देन इसका नेक्स्ट समय शो के ऊपर हमें टकलू देखने को मिलते हैं जिनका भाई बहुत टाइम बाद हमें मैच देखने को मिलता है स्मैकडाउन के ऊपर। ये वही रेसलर है जिसको गुंथर ने कभी गांड पर लात मारकर स्मैकडाउन से निकाला था, आजकल जॉनी सिंस का चाचा बना हुआ है। तो बेसिकली भाई इनका मैच था आज के स्मैकडाउन के ऊपर अपोलो क्रूज के अगेंस्ट और मैं सही बता रहा हूँ भाई मैं मुतने गया, मुत कर मैं वापस आया ये मैच खत्म हो चुका था, मतलब 5 सेकंड भी मैच नहीं चला। वानी विंची इस मैच के अंदर विन कर चुके हैं भाई, अब देखते हैं भाई स्टकलू का क्या होता है स्मैकडाउन को। वैसे देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें केविन ओवंस देखने को मिलते हैं जो कि भाई फुल्ली एग्रेसिव मूड में आते हैं और एक तरीके से भाई ये ट्रिपल थ्रेड मैच था पर भाई मैच एक हैंडीकैप मैच में बन जाता है क्योंकि भाई ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर दोनों मिलकर सिर्फ केविन ओवंस को ही मार रहे होते हैं। हां भाई केविन ओवंस की तरफ से हमें बड़ा कमाल का हमें रेसलिंग इस मैच के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर ट्विस्ट कब देखने को मिलता है जब भाई ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को हटाकर खुद पिन करने की कोशिश करते हैं। ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो भाई ग्रेसन वॉलर उसके बाद बोलते हैं तुम पिन करो हम पिन करने एक ही बात है और फिर जाकर भाई इन दोनों के बीच में मामला सेट होता है। उसके बाद मतलब दोनों रेसलर फिर से वापस से फाइट करना शुरू कर देते हैं पर भाई मैं आपको इस मैच का रिजल्ट बता देता हूं। इस मैच के अंदर स्टिल भाई केविन ओवंस विन कर जाते हैं और मैच के लास्ट में हमें स्टनर वगैरह सारा चीज हमें ग्रेसन वॉलर के ऊपर देखने को ही मिलता है। वैसे देन इसको नेक्स्ट मैच शो के ऊपर हमें चेल्सी ग्रीन और मिचिम का हमें बहस हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज। यहाँ पर भाई आकर निक ऑल्डिस सिंपल इन दोनों के बीच में मैच को सेट कर देते हैं। आप उल्लू बेब सीरीज में नहीं देखो भाभी का पल्लू गिर जाता भाभी दे देती है, भाभी नहा रही होती कोई देख लेता भाभी दे देती है, तो सेम भाई इनका स्टोरी लाइन चलता भाई। बैक स्टेज किसी से फाइट हो गया थोड़ा सा बहस हो गया इनका मैच हो जाता है। वैसे देन इसके बाद भाई नेक्स्ट शो के ऊपर हमें एले नाइट देखने को मिलते जो की बताते कि उन्होंने 2 बार अपने टाइटल को डिफेंस कर लिया। तभी भाई सामने से कार्मेलो हाइस आते हैं। कार्मेलो हाइस आकर बताते भाई तू 2 टाइटल डिफेंस किया इतना बड़ा तो उड़ क्यों रहा है, तो यहाँ पर बताते हैं कि मैं पीपीपी के अंदर बड़े बड़े शो के अंदर उस टाइटल को मैंने डिफेंस किया। वैसे भाई कार्मेलो हाइस को मैच चाहिए था एले नाइट के अगेंस्ट पर वहां पर आ जाते अंदरादे। मैं आपको बताया था ना कार्मेलो हाइस अंदरादे में जो भी रेसलर विन करेगा वो कोडी रोड्स को फेस करेगा, भाई वो मैंने गलत बोला था क्योंकि भाई न्यूज चैनल वाले ने यहाँ पर गलत पब्लिश कर दिया था। कोडी रोड्स के जगह पर यहाँ पर एले नाइट का फोटो लगना चाहिए था। तो बेसिकली भाई अंदरादे और कार्मेलो हाइस में जो भी रेसलर विन करेगा मतलब उसके बाद वाला भी शायद से एले नाइट को फेस करेगा और हाँ उसके बाद इनके बीच में फाइट वगैरह भी सारा चीज देखने को मिलता है आप लोग देख सकते हैं। लास्ट में भाई यहाँ पर एले नाइट स्टैंड टॉल करते हैं, एले नाइट दोनों को सुला देते हैं और मैं आपको इनफैक्ट कल भी बता दिया था
भाई उस पोस्ट को लेकर मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। वैसे देन स्क्वाड नेक्स्ट मैच को पर हमें चेल्सी ग्रीन और मिया एम का हमें मैच देखने को मिलता है। और इस मैच के अंदर भाई कुछ भी नहीं था, मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट का शायद से पूरा मैच ये रहा होगा। चेल्सी ग्रीन भाई इस मैच के अंदर विन कर जाते क्योंकि भाई पाइप एंड नवीन भाई अटैक कर देते मतलब मिया एम के ऊपर। यहाँ पर रेफरी भाई मतलब इन दोनों को देख नहीं रहा होता। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के रेफरी के आंख में गधा का लंड रहता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे देन स्क्वाड भाई फाइनली शो के मतलब मेन इवेंट के अंदर भाई गधों का हमें मीटिंग देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं अगर हम लोग को स्मैकडाउन को सेव करना तो हम लोग को फाइनली सोलो सिकॉक को स्टॉप करना होगा किसी भी हाल में। यहाँ पर डीआईवाई बोलते हैं चल भाई हम लोग तो टैग टीम टाइटल विन कर चुके हैं, तुम लोग नहीं विन किए, तुम लोग को मैं मौका देना चाहता हूँ। फिर भाई देन स्क्वाड इनका 8-man टैग टीम मैच स्टार्ट होता है ब्लड लाइन के अगेंस्ट। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब तीनों टीम आपस में फाइट करने वाला है टैग टीम टाइटल के लिए, पर भाई ये 8-man टैग टीम मैच था आज के शो के मेन इवेंट के अंदर। तो यहाँ पर भाई सोलो सिकॉक ही फाइट कर रहे होते हैं, सोलो सिकॉक भाई लिटरली सबको बहुत पहलते हैं और भाई कोई चांस नहीं था भाई इस मैच के अंदर गधा वाला टीम का विन करने का, उन लोग का लिटरली कोई चांस ही नहीं था। तो वही होता है भाई इस मैच के लास्ट में सोलो सिकॉक एक गधा का पिन करते हैं और मतलब इस मैच के अंदर वो विन कर जाते हैं। और ओवरऑल भाई सोलो सिकॉक का डोमिनेंस हमें आज के स्मैकडाउन को पर देखने को मिला और अगले स्मैकडाउन को पर इनका मैच भी आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई आज का स्मैकडाउन ऐसा ही था, आपको मेरा कमेंट्री कैसा लगा आप लोग सारे लोग बता सकते हैं, साथ ही भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।